Morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो फ्रेंड्स, आज दो दिन बाद अपनी मुलाकात हुई है. जैसा कि आप जानते हैं, ये जो रेलवे क्लासेज होती है अपनी मंडे टू फ्राइडे होती है और सैटरडे संडे अपनी क्लासेज नहीं होती है. क्लियर दोस्तों? तो सैटरडे संडे दूसरी क्लासेज होती है, ऐसा नहीं है. बट रेलवे वाली क्लासेज होती है आपके मंडे टू फ्राइडे होती है. दो दिन आपका रिवीजन करने का होता है. जो भी आपने पढ़ रखा है पहले से, आप रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, वो आईटी लिटरेसी, सारे टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं. एक भी टॉपिक अपना बचा नहीं है. और हम जो पढ़ रहे थे प्रीवियस वीक में, जो फ्राइडे को अपनी क्लास हुई थी, आईटी लिटरेसी हम लोगों ने स्टार्ट करा था, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने पढ़ा था. क्लियर? और आज भी हम उसके कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस हैं. पूरे उस टाइम ज्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे, तो आज ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर दोस्तों? क्वेश्चंस के माध्यम से जो पूरा टॉपिक है, सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे. क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कंप्यूटर बेसिस से, वो इसी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं. सारे जो टॉपिक आते हैं वही मैंने सारे कवर कर रहा हूं. क्लियर दोस्तों? क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था. सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का जो दोस्तों आपका नाम था, वो था आपका एनएक. और इसकी यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो इसके फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे क्या है, पहला कंप्यूटर को दोस्तों कौन सा, उसका नाम क्या है, एनएक है. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये है. और जो ये पहला कंप्यूटर दोस्तों जो अनाउंस हुआ था, वो 1946 में हुआ था. तो तीन क्वेश्चन हम लोग यहां से कवर कर लिए. क्लियर? चीज क्या है, इसका नाम क्या है, ये रहा. इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है दोस्तों, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका ये रहा कि ईडीपी क्या है, फुल फॉर्म बताइए. आप भी ट्राई करते रहिए कि आपको कितना आता है, क्योंकि ये चीजें दोस्तों बेसिक क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आपने पहले भी कभी पढ़ रखा होगा. तो बताइए दोस्तों, ईडीपी क्या है, जल्दी से बताइए. ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, बहुत बढ़िया. इसका बताइए पूरा नाम क्या है, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा. बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, बहुत बढ़िया. डी इसका सही जवाब हो जाएगा. ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आगे चलेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये बोल रहा है फ्रेंड, जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना, जो आईपी एड्रेस होता है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज होगी, तो कुछ ना कुछ दोस्तों जो मेमोरी, जो कुछ ना कुछ उसके लिए स्टोरेज चाहिए होगा. क्लियर? आईपी एड्रेस, वो बोले उसकी जो स्ट्रेंथ है कितनी होती है, कितने बिट की होती है, 16 बिट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है, 32. जैसे अपन लोग फाइल में बोलते हैं ना कि 2 MB की है, 3 MB की है, तो सिमिलरली फ्रेंड्स जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है दोस्तों, बताइए. 32. बहुत बढ़िया, तो ये आता है 32 बिट्स का. क्लियर दोस्तों? बिल्कुल सिंपल चीज है. चले आगे, तो चीजें याद रखनी है आपको. मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग पूरा कवर करेंगे. और क्वेश्चंस क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस में से सारे बनते हैं, इर्द गिर्द बनते हैं क्वेश्चन. इसके आगे चलते हैं दोस्तों कि जो आपका विंडो एक्सपी बोलते हैं, जो उसमें एक्सपी है, जो एक्सपी वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है. एक्सपी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों. जो एक्सपी वर्ड है इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्टैंड करता है, ये प्रदर्शित करता है एक्सपीरियंस. क्या करता है दोस्तों, एक्सपीरियंस.
एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, लेकिन बात आता है एक्स पे किसके लिए नॉट, मतलब क्या व्यक्त करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो क्या करता है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चले आगे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज है, एक्सपीरियंस आएगा। क्लियर, एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों कि जो अपने कंप्यूटर में एक निबल किसके बराबर होता है, ठीक है ना, वन निबल किसके बराबर होता है, एक निबल में कितने होते हैं, चार बिट्स होते हैं, चार बाइट्स होते हैं, आठ बाइट्स होते हैं, आठ किलो बाइट्स होते हैं, जल्दी से बताइए दोस्त, एक निबल में कितने होते हैं, जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इन कंप्यूटिंग वन निबल इज इक्वल्स टू, तो फ्रेंड्स जो चार बिट्स होते हैं ना वो होता है एक निबल के बराबर, ये याद रखिए, चार जो बिट्स होता है फ्रेंड्स वो होता है एक निबल के बराबर। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलते हैं फ्रेंड्स आगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो मॉडेम होता है, जो मॉडेम होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, जो मॉडेम होता है फ्रेंड्स उसका पूरा नाम क्या होता है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, चार बाइट्स नहीं होगा, वो एक निबल में चार बिट्स होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए आप। क्लियर, पहली बात करते हैं दोस्तों कि मॉडेम होता क्या है आपका, आपका जो दोस्तों मॉडेम होता है, जो आपका मॉडेम क्या होता है दोस्तों, जो सिग्नल होता है ना फ्रेंड सिग्नल, उनको ये डिजिटल इंफॉर्मेशन में क्या करता है दोस्तों, चेंज करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन में, यानी सूचना में, डिजिटल इंफॉर्मेशन में दोस्तों क्या करता है, ये चेंज करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, बताओ क्या होता है, ए होगा, बी, बिल्कुल आपको सारे एक जैसे लगेंगे, बताओ कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, बी, बहुत बढ़िया है, संदीप जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी। क्लियर दोस्तों, तो उसका बी सही जवाब हो जाएगा, जो उसके फुल फॉर्म होता है वो कहता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। क्लियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि जो ईमेल हम लोग यूज करते हैं, मेल करते हैं, उसका जन्मदाता किससे माना जाता है, हु इज दी कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ ईमेल। क्लियर, जल्दी से बताइए दोस्तों, जो ईमेल है उनका हम लोग किनको मानते हैं, जो आपके फादर बोल सकते हैं आप इनको, ईमेल के जन्मदाता बोल सकते हैं, क्रिएटर बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, फ्रेंड जल्दी से बताइए किनको मानते हैं, ए, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये मानते हैं रे टॉमलिंसन। क्लियर, रे टॉमलिंसन। क्लियर दोस्तों, चले आगे, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एंड्रॉइड न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉइड 8, ठीक है, जो एंड्रॉइड 8 है उसका नाम क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्लियर, वैसे क्वेश्चन ये पुराना है, अब तो और भी आ गए, एंड्रॉइड 8 वाला जो वर्जन है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ओरियो, किटकैट, इसमें तो सारी चॉकलेट का नाम आ गया, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा है, जल्दी से, जी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ओरियो है ना, ये ओरियो होगा दोस्तों, इसकी स्पेलिंग गलत है, ओरियो। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा, ओरियो। क्लियर दोस्तों, ओरियो होगा, ओरियो। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स आगे इस क्वेश्चन पे। जल्दी से बताइए दोस्तों, जो एंड्रॉइड एंड्रॉइड हम लोग करते रहते हैं वो एंड्रॉइड होता क्या है, जो हम एंड्रॉइड वगैरह करते रहते हैं एंड्रॉइड होता क्या है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, एंड्रॉइड होता क्या है, एंड्रॉइड दोस्तों क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, या डाटाबेस सिस्टम है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एंड्रॉइड, हाँ, तो एंड्रॉइड क्या है दोस्तों, एक सिस्टम है, जो क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल जिस सिस्टम पर काम करता है वो एंड्रॉइड पर करता है दोस्तों। क्लियर, तो एंड्रॉइड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर, चलते हैं आगे।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, द डीएनएस इज एन इन अ नेटवर्किंग टर्म विच इज रिलेटेड टू, ठीक है जो डीएनएस है वो एक नेटवर्किंग टर्म है, इससे किससे रिलेटेड है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, डीएनएस नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ किससे होता है दोस्तों, किससे होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए डीएनएस का, क्लियर बताइए, बिल्कुल सही जवाब है मुकेश जी, बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड्स, ये कहता है डोमेन नेम सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, क्लियर दोस्तों, चले आगे, आगे चलते हैं, फ्रेंड्स पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में ये वाला करेंगे, इसको अभी छोटा कर देते हैं, ठीक है इस पर ध्यान मत दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए आप पहले, क्लियर इसका जवाब दीजिए दोस्तों कि जो आपका माइकल एंजेलो जो वायरस है दोस्तों वो क्या है, वो कौन सा वायरस है, किसका वायरस है, जल्दी से बताइए, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है ये जो माइकल एंजेलो वायरस है दोस्तों ये क्या है, कंप्यूटर वायरस है, ठीक है कंप्यूटर वायरस है फ्रेंड्स। यदि इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले मिला था, कहाँ मिला था दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में मिला था, ठीक है 1991 में, डेट भी अगर डेट ध्यान मत रखिए, मैं तो जस्ट इन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 4 फरवरी 1991 को, ठीक है ये ऑस्ट्रेलिया में मिला था सबसे पहले। और क्या है फ्रेंड्स, इस जो वायरस का नाम क्या है, माइकल एंजेलो है, और क्या है फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर वायरस है, क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं छोटा, इसको भूल जाइए आप, अब उस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रेंड्स IBM क्या है, IBM क्या है जल्दी से बताइए दोस्तों, IBM क्या है, IBM क्या है, इसके फुल फॉर्म भी बता देना, दोनों चीज हम लोग समझ लेंगे, IBM क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि मैं इसको छोटा कर देता हूं, अगर दिख नहीं रहा तो लीजिए फ्रेंड्स, यदि मैं सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करूं इस IBM की, तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और दोस्तों ये लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी है, ये कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है, आई एम सॉरी कंप्यूटर की लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों, ये बड़ी, ठीक है क्लियर दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, एक कंपनी है, एक कंपनी है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर चले आगे दोस्तों, चले आगे चलते हैं। अब देखो कंप्यूटर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोई सॉफ्टवेयर नाम दे रहा है, कोई प्रोग्राम दे रहा है, कोई हार्डवेयर, क्लियर ये कंपनी है, चलते हैं आगे। पहले ये करते हैं दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए पहले, कि जो भी अपना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो अपना विद्यमान डॉक्यूमेंट है दोस्तों, उसको परिवर्तित करना, उसमें चेंज करना क्या कहलाता है दोस्तों, उसकी एडिटिंग कहलाता है, उसकी क्रिएटिंग कहलाता है, या मॉडिफाइंग कहलाता है, या नन ऑफ दिस। देखो चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको, कि एडिटिंग भी है, क्रिएटिंग भी है, मॉडिफाइंग भी है, या नन ऑफ दिस, बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए, बताइए ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। हाँ ए बहुत बढ़िया, सी ए सी, देखो कई जनों ने इसका कोई सी जगह दे रखा था दोस्तों, जो टेक्निकल टर्म जो होता है इसका ए होता है, एडिटिंग, एज सिंपल एज डैट, ठीक है जो इसका टेक्निकल टर्म यूज होता है दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज करने का, वो क्या होता है, एडिटिंग होता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या जाएगा, ए। ये बैंक में एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यही क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन में आपको वो ही लाऊं जो प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन से आपको आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, क्लियर दोस्तों। इसको हटाते हैं, चलिए इसको मैं हटा नहीं रहा, इसके आपको पीडीएफ भी तो देनी है, इसको छोटा कर देना ठीक है। अरे अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी, ठीक है देखिए बिल्कुल सिंपल चीज है दोस्तों, कि विद विच हेल्प कैन बी सेव और डॉक्यूमेंट, कौन से शॉर्टकट से हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्लियर दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस, क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस, कोई दिक्कत कोई परेशानी दोस्तों नहीं है, बिल्कुल सिंपल है,
सारे गलत हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ गलती कर लीजिए, एग्जाम में मत करना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक क्वेश्चन एक स्क्रीन पे, मैं दो क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इसमें 30 की कैपेसिटी, फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाते। प्रीवियस शुक्रवार को भी फ्राइडे को भी अपने साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसकी स्थापना कब हुई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट की दोस्तों स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड, बताइए दोस्तों कौन से में हुई थी, जल्दी से बताइए दोस्तों। 1975 में हुई थी, 74 में हुई थी, 76 में हुई थी, कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया सिंपल, 1975 में हुई थी दोस्तों ये, ठीक है 1975। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, इसको करते हैं छोटा और दूसरे वाले क्वेश्चंस को लेते हैं थोड़ा बड़ा। बात करते हैं फ्रेंड्स जो विकिपीडिया है, विकिपीडिया आप जानते हैं क्या है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, ठीक है, उसके बारे में, चाहे आप किसी पर्सन का देखो, चाहे किसी कॉन्सेप्ट का देखो, किसी बुक का देखो, जो भी आपको मिलनी हो, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं विकिपीडिया के दोस्तों संस्थापक कौन है, विकिपीडिया के फाउंडर कौन है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है, पियर स्राइडर, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है बायरन लूपर, तीसरा दे रखा है रिकॉर्ड एरिक्सन, चौथा दे रखा है जिमी वेल्स, बताइए फ्रेंड्स कौन सा होगा, बताइए। ये माइक्रोसॉफ्ट के नहीं पूछ रहे, जो कई स्टूडेंट बिल गेट्स नाम दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के नहीं है फ्रेंड्स, सही बात है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स आपको बताऊं, अब देखिए आपने अगर एएलपी का पेपर दिया होगा, सबने एएलपी का, उसमें क्या पूछा था दोस्तों, और हर पेपर में आईपीएल के संस्थापक, आईपीएल के मतलब हर टीम के जो मैनेज, वो आई एम सॉरी, जो उनका मालिक थे हर टीम आईपीएल में, जैसे मान लो कभी मुंबई इंडियंस की पूछ रहा, कभी सनराइजर्स हैदराबाद की, कभी ये कभी ये, तो दोस्तों ये संस्थापक इसमें भी बहुत बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कभी विकिपीडिया की पूछ लेगा, कभी किसका माइक्रोसॉफ्ट के पूछ लेगा, तो ये भी हम लोग लास्ट में पूरा वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लेना, पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी ढंग से, क्लियर दोस्तों। चले आगे, आगे चलते हैं, इसको करते हैं छोटा, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइस ऑन स्लिप मोड। आपको पता है फ्रेंड्स हम लोग स्लिप मोड में डाल देते हैं, जो भी आपका लैपटॉप होता है, जो भी आप यूज करते हैं फ्रेंड्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑलमोस्ट सभी भी ये स्लिप मोड का रहता है, इवन टेलीविजन में भी जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें भी है, तो उसका मेन पर्पज क्या है दोस्तों, उद्देश्य क्या है कि बिजली की खपत कम करे, बैकअप रखे, बैकअप का मतलब जैसे मान लीजिए लैपटॉप आपने स्लिप मोड पर डाल दिया, तो जो भी आप काम कर रहे थे पूरा बैकअप रहे, वो डिस्ट्रॉय नहीं रहो, ठीक है, या हार्ड डिस्क पर रैम की सामग्री रखने के लिए, या डाउनलोड गति में सुधार करने के लिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका कॉमन सेंस वाली बात है, इसका ए जवाब आएगा, ठीक है, रिड्यूस पावर कंजप्शन, क्लियर दोस्तों। चले आगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्रेंड्स, बताइए, ये बताइए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस वाला क्वेश्चन का, मैं पूछ रहा हूं कि जो मैकिंटोस होता है दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये किसका प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, इंटेल का, किसका है दोस्तों, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये किसका प्रोडक्ट है दोस्तों, ये एप्पल का है, जो एप्पल कंपनी होती है, जो आपके पास फ़ोन है एप्पल के, मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास होगा तो दोस्तों जो एप्पल जिस कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो उनके पास जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी एप्पल कंपनी का क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं, वन नेबल इज इक्वल टू, दोस्तों ये तो अभी हम लोग कर ही चुके हैं और आपको पता है इसका आंसर क्या जाएगा, चार बिट्स ही तो हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करता हूँ फ्रेंड्स, हटा देता हूँ। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा गूगल से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सी इसमें से सेवा गूगल से संबंधित नहीं है दोस्तों, यूट्यूब नहीं है, ब्लॉगर नहीं है, पिकनिक नहीं है, एक्सबॉक्स नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए।
बहुत ही बढ़िया, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, अच्छा चार बिट्स जवाब चार वाला दे रखे हैं, वो छोड़िए फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा, खरीद के लाऊं क्या एप्पल? अरे मजाक वजाक चलता है रहता है दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों ये आप सोच रहे हो ये पिकनिक क्या है, ये फ्रेंड्स गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, गूगल की एक सर्विस है। एक्चुअल में ये एडिटिंग, एक जैसे एडिटिंग एक वो है, जैसे हम पिक वगैरह एडिट करते हैं ना, तो एडिटिंग के लिए दोस्तों ये यूज़ होती है। बात करें दोस्तों ये एक्सबॉक्स, ये गूगल का नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये बात करें होता क्या है, ये जो गेम वाली कंपनी होती है, गेम की साइट्स रहती है इस पे, सभी जो गेम की जो एप्लीकेशन रहती है उसके लिए रहती है, ठीक है। तो ये गूगल की सर्विस नहीं है दोस्तों, बाकी सारी आप जानते हैं, गूगल के यूट्यूब हो गया, ये हो गया, ये इसके बारे में थोड़ी सी मैंने बात बता दी दोस्तों। क्या है ये, एडिटिंग के लिए काम में ली जाती है, जैसे यूट्यूब आप वीडियो देखने के लिए यूज़ में ली जाती है। सिमिलरली फ्रेंड्स बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का कि इंटरनेट ब्राउज करते समय निम्न स्क्रीन में से कौन सी कुंजी पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए उपयोग की जाती है, बताइए दोस्तों कौन सी रहती है, फुल स्क्रीन के लिए कौन सी यूज करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, F11, एफ बहुत बढ़िया, F11, F5, F9, चारों ऑप्शन अभी तक आ चुके हैं दोस्तों। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो होगा F11, ठीक है फ्रेंड्स, जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, F11, ठीक है। F5 का तो आपको पता ही है, रिफ्रेश करने के लिए होता है, जो F11 होता है इसका सही जवाब होगा। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताइए दोस्तों ये क्या है, यूनिवैक क्या है, यूनिवैक के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, बताइए क्या कंप्यूटर है, क्या है ये, जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर मैं यूनिवैक की पूरी नाम बताऊं, जो यूनिवैक इसकी फुल फॉर्म, दोस्तों अगर मैं फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवैक की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, मैं इधर लिख देता हूं, वो होती है फ्रेंड्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फ्रेंड्स ये पहला कंप्यूटर था यूनाइटेड स्टेट का, ठीक है, फर्स्ट कॉमर्शियल ये वो था, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर जो बना था, प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या ये कंप्यूटर है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने, जो आपके सामने आता रहता है कई बार एरर 404 आ जाता है, उसका मतलब क्या है दोस्तों, एरर 404 का मतलब क्या है, चार ऑप्शन आपको दे रखा है A B C D, जल्दी से बताइए दोस्तों। HTTP 404 क्या है, जल्दी से बताइए दोस्तों, पहले तो मुझे बताइए HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। कल मतलब फ्राइडे को हम लोगों ने बताया था HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, पहले बताइए ये वाली क्या रहती है। ए सही जवाब हो जाएगा, मैंने मान लिया। मैं एक बार HTTP की दोस्तों फुल फॉर्म बताइए, एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को, कितने दोस्तों को याद है HTTP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बताइए। ए इसका सही जवाब है दोस्तों, एक बार HTTP की फुल फॉर्म बताइए। सर्वर नॉट फाउंड, हाँ इसका जवाब तो सही है, सर्वर नहीं मिल रहा। एक्चुअल में जब आप नेट पर सर्च करते हैं कई बार ये आता है, इसका मतलब जो चीज़ आप इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों।
तो क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, क्या होगा? एक्चुअल में दोस्तों जो HTTP 404 होता है उसका जो मतलब होता है वो क्या था, जो आपका क्लाइंट होता है, हम लोग क्या है दोस्तों, क्लाइंट है, तो क्लाइंट इज अनेबल टू कम्युनिकेट विद सर्वर, ठीक है, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें क्या जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन दे रखा है। पहला क्या है, सर्वर को इंगित करने वाला, एक त्रुटि संदेश नहीं मिला, एक त्रुटि संदेश स्थायी रूप से स्थानांतरित संकेत, एक त्रुटि संदेश वर्जित संकेत, सर्वर को इंगित करने वाला एक त्रुटि संदेश मिला, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, तो इसका जो आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल ए ऑप्शन हो जाएगा, एन एरर मैसेज, एक ऐसा मैसेज है जो शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि सर्वर आपका नॉट फाउंड, सर्वर आपको मिला नहीं है। क्लियर दोस्तों, चले आगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स लैपटॉप, ठीक है, इसमें से कौन सी की है जो हमको कंप्यूटर में नहीं मिलती। दोस्तों आपको पता है ऑल्ट की भी मिलती है, डिलीट की भी मिलती है, क्लियर शिफ्ट की भी मिलती है, बट टर्न की ये इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों, लैपटॉप और कंप्यूटर में ये की नहीं मिलती, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इसको मैं कर रहा हूँ साइड में। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका कौन सा जो आपकी फंक्शन की है, आपको पता है F1, F2, F3 ये होती है, 12 तक होती है, तो उसमें से और हर एक जो आपकी की होती है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज रहती है, तो उसमें बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग, ग्रामर को चेक करने के लिए, स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी होती है दोस्तों, F3 रहती है, F5 रहता है, F7 रहता है, F9 रहता है, बताइए दोस्तों। बताइए F3, F4, बताइए दोस्तों क्या होगा, F11, F7, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, F7, क्लियर। आगे चलते हैं, फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के दोस्तों किन्होंने इन्वेंट किया है, तो बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है, वॉन न्यूमैन, जीएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो कंप्यूटर को इन्वेंट किया है वो किन्होंने किया, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, जो इन्वेंटर माने जाते हैं कौन होता है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, अभी तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, यही किया था फ्रेंड्स, क्या था, एनिग, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पहला ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, क्लियर क्लियर दोस्तों, चले आगे आगे चलते हैं, ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन, इसको छोटा करते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो आपका कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशन करने के यूज में आता है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन, कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का जो किसके काम आता है फ्रेंड्स, आपके कैलकुलेशन करने के काम आता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सीपीयू होता है आपका, सीपीयू में क्या क्या होता है, सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, क्लियर, मेमोरी रहता है, तो उसका जो एएलयू पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों, तो वो किसके काम में आता है दोस्तों, कैलकुलेशन के, जितनी भी कैलकुलेशन होती है दोस्तों, गणना होती है, किससे होती है, एएलयू, इसका सही जवाब दोस्तों क्या आ जाएगा, सी इसका सही जवाब आ जाएगा, क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। EDP की फुल फॉर्म बताइए पहले दोस्तों, EDP की फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की फुल फॉर्म आप फ्रेंड्स क्या करिए बताइए पहले, EDP की फुल फॉर्म बताइए,
ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है। तो ईडीपी की फ्रेंड्स फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्लियर। चले आगे, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स एक कंप्यूटर होता है आपका पैकमैन नाम से, ये किसके लिए, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स, तो जो आपका दोस्तों पैकनेक नाम का जो कंप्यूटर होता है दोस्तों, ये जो स्पोर्ट्स होता है कंप्यूटर एडवेंचर स्पोर्ट्स रहता है दोस्तों, उसमें काम होता है। तो खेल इसमें सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, चले आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं जो आपका चुंबकीय डिस्क होता है, जो मैग्नेटिक आपकी क्या होती है फ्रेंड्स डिस्क रहती है, वो किस मटेरियल की बनी रहती है बताइए दोस्तों, किस मटेरियल की बनी रहती है बताइए, बताइए दोस्तों जल्दी से। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये बनी रहती है, बिल्कुल सही जवाब है आयरन ऑक्साइड की, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आयरन ऑक्साइड की ये बनी रहती है। क्लियर, आयरन ऑक्साइड की ये बनी रहती है। इस क्वेश्चन को मैं छोटा करता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि विच की, देखो मतलब ये बोल रहा जो कंट्रोल शिफ्ट और जो आपके ऑल्ट की होती है ना, उन कुंजियों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन कीज को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। क्लियर, जल्दी से बताइए, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो कुंजी है दोस्तों ध्यान रखें, उनको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर। ठीक है, उनका नाम है क्या है फ्रेंड्स, मॉडिफायर है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मॉडी, आई एम सॉरी सी नहीं है, बी मॉडिफायर। क्लियर दोस्तों, चले आगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कंप्यूटर पढ़ने का जो सही तरीका है वो यही है क्वेश्चंस के माध्यम से, जिससे हम लोग क्वेश्चंस तो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात, क्योंकि अगर कंप्यूटर पढ़ने जाओगे दोस्तों तो कंप्यूटर की कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो बेस्ट ये रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए जैसा कि मैं कर रहा हूं, और उसके इर्द गिर्द सारी हम लोग बात करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर अगर आप दोस्तों से उससे पढ़ने गए, जैसे यदि मैं आपको बात करूं, मैं आपको जैसे हम लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ा, एनवायरनमेंट दोस्तों चार चार साल में भी नहीं होती कंप्लीट, जैसे पीएचडी वगैरह, तो एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा है, ये एक चीज डाली तो बिल्कुल अपना बेसिक बेसिक आता है। तो इधर भी दोस्तों अब आप बताइए, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, कितने आपके चैप्टर है, आपके यूनिट एंड मेजरमेंट है, ठीक है, यूनिट हो गया आपका, हीट एंड टेम्परेचर हो गया आपका, क्लियर, वर्क पावर एनर्जी हो गया। इसमें तो चल हम, चलो हम लोग ऐसे कंसेप्ट पकड़ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कंप्यूटर का जो रेंज है, एनवायरमेंट का रेंज है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते हैं कि भाई ये तो सारे चैप्टर मैंने बताया, सारे आपको कॉन्सेप्ट से बताया, लीवर और मशीन, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं है। बट दोस्तों यदि बात करें कंप्यूटर की और एनवायरमेंट की, तो बहुत वाइड रेंज है। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लो, अभी तो मैं एनवायरमेंट के भी करवाऊंगा आपको 100-150 क्वेश्चन, तो आपको थोड़ी सी हवा लगेगी कि क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आपको ये तो पता ही पड़ गया दोस्तों, जो एनएक है वो क्या है फ्रेंड्स, पहला कंप्यूटर है। क्लियर, इसको बनाया किसने था दोस्तों, इसको बनाया किसने था, ये अब ये क्वेश्चन है। तो आप देखो इसी से रिलेटेड हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, ये होता क्या है कंप्यूटर, इसके फुल फॉर्म क्या, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कब आया दोस्तों ये पढ़ चुके हैं, किसने बनाया। तो देखो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। और फ्रेंड जो इसको बनाया वो किसने बनाया, जल्दी से बताइए, जो एसी डीसी मोटर जनरेटर बोल रहा हूं, आपका एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, परेशान मत हुआ करो आप। तो फ्रेंड जो इसके इन्वेंटर थे वो कौन थे, प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोशले। क्लियर, इसका जवाब आएगा दोस्त, कंप्यूटर का क्या था, चार्ल्स बेबेज थे। लेकिन अगर इनेक की बात करें दोस्तों, इनेक के जो फाउंडर थे वो थे कौन थे, प्रेस्पर एकट और जॉन मोशले, बताइए दोस्तों। अरे एसी सब करवा दूंगा मैं, एसी डीसी सब बता दूंगा मैं। क्लियर, चले दोस्तों आगे,
आगे चलते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जो एनेक है इसको फर्स्ट कंप्यूटर अनाउंस किया था, लेकिन इससे पहले भी एक कंप्यूटर था, आप देखोगे Z1 आप मतलब वो अलग चीज़ है, लेकिन अनाउंस मैंने इससे पहले जब मैंने आपको एनेक वाला बताया था इसलिए मैंने बोलता है इसको जो अनाउंस किया, जो पहला कंप्यूटर जो अनाउंस किया दोस्तों इसको किया। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं जो कंप्यूटर का माउस होता है, जो कंप्यूटर का माउस होता है फ्रेंड्स किसने बनाया, पहला कंप्यूटर का माउस है दोस्तों किसने बनाया जल्दी से बताइए, जो कंप्यूटर का माउस होता है दोस्तों तो वो किसने बनाया दोस्तों जल्दी से बताइए, वो बनाया बी इसका सही जवाब हो जाएगा या ए हो जाएगा या डी हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है डगलस एंड लबर्ट या रॉबर्ट जवाकी या विलियम, इंग्लिश बताओ क्या हो जाएगा। सही है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चले आगे, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स जो डीवीडी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीवीडी की फुल फॉर्म आप बताइए, डीवीडी की फुल फॉर्म बताइए। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये जो मैं फिर बता रहा हूँ जो एनवायरनमेंट और कंप्यूटर अपन को क्वेश्चंस के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर में बहुत जने बोल रहे थे सर क्वेश्चंस के माध्यम से, उधर तो बल्कि मैंने पूरा आपको क्या बताया दोस्तों कॉन्सेप्ट बताया, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कि पानी को इसमें मिला रहे हैं फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, या लीवर मशीन में फर्स्ट टाइप का लीवर क्या होगा सेकंड टाइप का क्या होगा, चाहे वर्क पावर एनर्जी हो चाहे स्पीड वेलोसिटी हो, स्पीड वेलोसिटी में मैंने आपको गुरुत्व के अधीन गति भी बताया, मोशन अंडर ग्रेविटी बताया, सभी टॉपिक्स हम लोग ऐसा कर चुके हैं कि क्वेश्चन कितना भी हार्ड लेवल आ जाए। अब रिलेटिव डेंसिटी वाला आप जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था मोम वाला, ठीक है मोम वाला कि सबसे पहले इसको सिंकर को पानी में डालेंगे, अब दोस्तों चीजें आपको रटवाइनी सारी चीजें आपको ऐसी करवाई है कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए वो आपका अटकेगा नहीं, कितना भी हार्ड न्यूमेरिकल आ जाए। और अब हम लोग जो बातें करेंगे दोस्तों आने वाले टाइम में वो हम लोग थोड़ा थ्योरी पे भी हम लोग बातें करेंगे, न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे करे हैं न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो डीवीडी क्या है दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल सही है डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका सही जवाब क्या जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है दोस्तों, तो आज की भी खत्म हो चुकी, इतनी स्क्रीन ही थी तो उसमें समय दो दो तीन तीन डाले। क्लियर, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, क्लियर दोस्तों बताइए, कोई दिक्कत परेशानी। तो फ्रेंड्स अब मैं बोल रहा हूं, अब आप बताइए आप आगे टॉपिक क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो टॉपिक की ये हो, क्योंकि कंप्यूटर में और करा दूंगा या कंप्यूटर ही करवाऊँ आगे, कंप्यूटर के और क्वेश्चन करवाए, कंप्यूटर की करता हूँ मेरी मान तो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब ए होगा, अच्छा मैंने बी पे लगा दिया, आई एम सॉरी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, आई एम सॉरी, ए इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बताइए दोस्तों क्या चाहते हो आप, मैं तो बोल रहा हूँ इसी के क्वेश्चन करते हैं, अभी 500 और क्वेश्चन करते हैं पूरा क्लियर हो, ठीक है। कंप्यूटर पे इतने क्वेश्चन कर लेंगे सारे एग्जाम्स के कवर कर लेंगे कि मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो भी आएगा इसी में। यार देखो इंजन ड्राइंग बार बार मत बोलिए, मैंने आपको यार इंजन ड्राइंग रामवीर सर ने पढ़ाया बहुत बढ़िया पढ़ाया सर ने, ठीक है, और सभी फैकल्टी अपना 100% देती है, आप ये मत समझो कल को तो आप बोलोगे कि सर नीरज सर ने हीट एंड टेम्परेचर पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो रामवीर सर आप वापस पढ़ाओ, तो इस फैकल्टी एक फैकल्टी के लिए पूरा नहीं हो पाता कि पॉसिबल, आपको दिक्कत आ रही थी प्रोजेक्शन और व्यू में, मैं गारंटी लेता हूँ प्रोजेक्शन और व्यू में आपको पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले पहले करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पूरा मैं रिविजन करवाऊंगा, मैं तो यूनिट से स्टार्ट करूंगा वापस, और एक एक दिन में पूरा एक एक चैप्टर ऐसा करवा देंगे कि पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है आपको भी पता रहना चाहिए, कितनी चीजें याद है, टेरा वो हम लोगों ने पढ़ा था, मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, जितनी भी चीजें पढ़ी थी दोस्तों मैं वापस खुद बताऊंगा, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात है जो चीज इंजन ड्राइंग आपको रामवीर सर ने पढ़ाई है बहुत बढ़िया पढ़ाई है, अब जो आपको लगता है प्रोजेक्शन और व्यू टफ टॉपिक है तो वो है टफ टॉपिक, आप मेट से भी पढ़ोगे तो मेट से भी टफ लगेंगे, बस आपको दिक्कत आ रही है तो मैं वापस समझा दूंगा, हम लोग यही तो कर सकते हैं। अब ये चीजें पॉसिबल नहीं होती दोस्तों कि एक एक टॉपिक हम लोग वापस कर ले, कल को आप बोलोगे कि सर हमको लीवर मशीन समझ नहीं आया रामवीर सर आप वापस कराओ, या फिर भुवनेश सर को आप बोलोगे कि सर आप है ना ये टॉपिक वापस पढ़ाओ, तो एक टीचर के लिए पूरा करवाना पॉसिबल नहीं रहता, समझ रहे हो बात को, पूरा पॉसिबल नहीं रहता। अब इंजीनियरिंग खूब इतना बड़ा है, रामवीर सर ने कितने बढ़िया क्लास में कितना बड़ा बड़ा पढ़ाया आपको, तो आप चीजों का टीचर का सभी का एफर्ट देखा करो, सभी अपना 100% देते हैं। बात मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूं कि जो प्रोजेक्शन और व्यू होते हैं थोड़े अच्छे
टॉपिक है तो वो मैं आपको करवाने को तैयार हूँ। मैंने मना थोड़ी कराया आपको कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ व्यू मैं नहीं कराऊंगा, आप बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा इंजन ड्राइंग के, लेकिन पूरा यार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं इसको इंजन ड्राइंग को पूरा करवाऊंगा फिर आपको जो यूनिट मेजरमेंट हीट एंड टेम्परेचर क्या उसका रिविजन आपको जरूरी नहीं है क्या, उसमें अभी भी बेसिक क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या, फिर वो आप खुद कर लोगे क्या, बताइए खुद कर लोगे क्या। तो इंजन ड्राइंग में आपको करवा दूंगा, परेशान मत हुआ करो, आपकी जो भी चीज है मैं आपको पूरा करवाऊंगा। अगर मैं चाहता मेरा सिलेबस हो गया, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं सारी एग्जाम तक क्लास लूं, मैं रोज ना क्लासेज लूंगा आपकी, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो आप। एग्जाम की डेट आपकी 21-22-23 जनवरी, मैंने पूरा सिलेबस आपको करवा दिया है, टाइम से पहले करवा दिया है। मैं जब भी बोलते मतलब स्टार्टिंग में जब क्लासेज होती है यूनिट सर, आप बोलते सर सिलेबस नहीं हो रहा, एक क्लास को 5-5, 6-6 दिन में करवा रहे हो, अगर उस टाइम में जल्दी करता तो एक एक क्लास यदि मैं एक दिन में करवाता, हीट एंड टेम्परेचर बहुत जनों ने एक एक दिन में पढ़ा रखा है, तो क्या पढ़ सकता है अपन हीट एंड टेम्परेचर में, ठीक है। मास वेट डेंसिटी एक एक क्लास में पढ़ा रखा है लोगों ने, अब मास वेट डेंसिटी में बायंसी फ्लोटेशन उत्प्लावन बल पूरा आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताया कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, आपको दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई है, इंजन ड्राइंग के जो प्रोजेक्शन व्यू और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको करवा दूंगा, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, एक बैठ के कमेंट करने में कुछ नहीं जानता, हमको भी पूरी सेटिंग वगैरह देखनी पड़ती है दोस्तों, आप बात समझ पा रहे होंगे आई होप। तो मैं करवाऊंगा, मैंने मना थोड़ी करी, मैं तो खुद बोल रहा था आपसे कि हम लोग क्या कर लेंगे पूरा रिविजन कर लेंगे, मैं तो सारा रिविजन करवाने की सोच रहा हूं, आप बोलोगे तो मैं कल से यूनिट से वापस स्टार्ट कर दूं, यूनिट हीट एंड टेम्परेचर मास वेट डेंसिटी लीवर मशीन कितने टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, आपको लग रहा होगा हम लोग सब समझ चुके हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको लगेगा यार ये कब पढ़ा था भूल गया, वो चीज हम लोग 2 महीने हो गए अपनी क्लास, ठीक है। तो चीजों का रिवीजन भी जरूरी है, नई चीजें पढ़ने से बजाय चीजें पढ़ो। इंजन ड्राइविंग में दिक्कत है तो सर का लेक्चर आप वापस देखो, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आ जाएगी, इतना भगवान ने अपन को दिमाग दिया है कि सामने वाला यदि कोई समझा रहा है, अगर अपने मन में यह मान के चल जाए कि नहीं यार हम तो नहीं समझ सकते, यहीं से पढ़ेंगे या फिर यहीं से पढ़ेंगे, क्या गारंटी है मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल आप बोलोगे कि नहीं हमको तो समझ में आ गया, तो समझाने वाले सब अपना 100% देते हैं। समझने में जो दिक्कत होती है दोस्तों कई बार होती है, चीजें टफ भी रहती है। अब जैसे मान लो मैं भी स्टूडेंट जब था, अभी भी हूँ, जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको सिंपल लगेगी, कुछ चीजें हार्ड भी आएगी, तो उस हिसाब से थोड़ा ऐसे नहीं बैठ के कमेंट कर देगी कि चीजें समझ में नहीं आई, समझ पा रहे हो आप बात को। मास वेट डेंसिटी आपको लग रहा है बहुत सिंपल टॉपिक था, बायंसी फ्लोटेशन जैसे मैंने आपको समझाया उतना सिंपल था नहीं, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल इजी करके आपको बताया है कि कैसे रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। हीट एंड टेम्परेचर में बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने करने की कोशिश करी है, और प्रोजेक्शन व्यू में भी जब अभी लास्ट में टाइम मिलेगा जरूर मिलेगा, प्रोजेक्शन व्यू भी हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी की चीज रामवीर सर ने पूरी करवा रखी है, वो उससे बड़ा हम लोग जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है दोस्तों उसका रिवाइज करेंगे ना ढंग से, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया, मैं तो नहीं चाहता ना उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका अटके, इवन मैं इंजीनियरिंग टाइम में आ जाऊं और फटाफट जो मैंने पढ़ाया उसमें से यार क्वेश्चन बन नहीं रहे, फिर वो मेरी मेहनत तो खराब चल गई ना, तो मैं तो तैयार हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं आपकी क्लासेज ऑफ कर रहा हूं, तो लेकिन जो आप मैंने पढ़ रखा मैं तो चाहता हूं उसका एक बार वापस रिवीजन करवाऊं ढंग से, कि जो बीच में टॉपिक मैंने एक दो टॉपिक मिस हो गए थे, जैसे एसी जनरेटर वगैरह जो आप बोलते रहते हो, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो 2-3 चीजें मिस थी, तो मैं तो चाह रहा हूं वापस मैं करवाऊं आपको। अब वो आप चीज मेरे को दूसरे में डाल दो, कल आप बोलोगे सर केमिस्ट्री पढ़ा दो आप, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा फिर मेरा ये कौन पढ़ाएगा, समझ पा रहे हो, करना मेरे को ही है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करवाऊंगा, मेरी मैं आपको गारंटी देता हूं पूरी, ठीक है दोस्तों। तो बात को समझा करो थोड़ा सा, और इंजन ड्राइंग का मैंने बोल दिया फिर भी रोज का कमेंट आता है इंजीनियरिंग, अरे करवा देंगे आप, एग्जाम कल थोड़ी है आपका, ठीक है दोस्तों। तो इसी को कंटिन्यू रखते हैं मेरे हिसाब से कंप्यूटर को, और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे या फिर कल से वापस स्टार्ट कर दो रिवीजन, चलो देख लेंगे, एक क्लास और लेता कंप्यूटर पे, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा कवर करते हैं फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के इतना काफी है, इंजन ड्राइव पूरी करवा दूंगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी करवा दूंगा सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं, ठीक है, इतना आप पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखा करो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हाँ मैं आपको बूस्टर का बता देता हूँ दोस्तों, अब देखो जो आपका पूरा सिलेबस करवा चुका हूं मैं, अब जो आपको करना है टेस्ट सीरीज देना धमाधम, तो आपको पता है दोस्तों रेलवे का बूस्टर आ चुका है, उसमें आपको क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, केवल एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट सीरीज मान लीजिए, उसमें पूरे जैसे मान लीजिए आपके जिस हिसाब से पेपर रेलवे ने सेट किया है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 40 मार्क्स की आएगी, मैथ्स आपकी 25 की, रीजनिंग 25 की, करंट अफेयर्स 10 की, तो आपको 15 मॉक पेपर मिलेंगे, तो उसमें हर में जैसे मान लीजिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 40, तो उसमें 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के,
25 आपको रीजनिंग के, 25 आपको मिलेंगे मैथ्स के, 10 आपको करंट अफेयर्स के, और पूरे आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाएगा, साथ में बैठ के हम लोग करेंगे, और जो भी वीडियो सॉल्यूशन होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनके प्रिंट में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, जो चीज अटकती है वो टेस्ट सीरीज में अटकती है, तो पूरा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट सीरीज आप ये मान लो ये, क्योंकि पूरा आप समझोगे, आपको ये भी पता पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है, और जो चीज नहीं आ रही वो चीज हम लोग वीडियो में समझेंगे। क्लियर दोस्तों, क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है, तो इसकी जो जानकारी है कोर्स की आप किसमें डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, और जो बच्चों ने फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड सेलेक्ट करी है उनकी 3 बजे क्लास होती है, तो आप क्लास लीजिए 3 बजे फिजिक्स की और 4 बजे मैथ्स की, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।